नमस्कार। आज एक बार फिर से बाल विकास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे जो है अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाल विकास के सिद्धांत। तो आप केवल इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर इस विषय से पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा। बाल विकास के सिद्धांत में प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए उसको समझते हैं। देखिएगा बच्चों, पहला जो सिद्धांत हमारा होता है वो है सतत या निरंतरता का सिद्धांत। सतत या निरंतरता का सिद्धांत जो कहता है कि विकास हमेशा और हर समय निरंतर होता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। मैंने आपको इसके पहले की क्लास में बताया था कि कोई बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है, तो इस दुनिया में जब वो जन्म लेकर के आता है, तो यहाँ पर आकर के पहली बार जब आंखें खोलता है तो वो प्रकाश के प्रति अपनी आंखों को क्या करता है, अनुकूलित करने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन के बहुत सारे लंबे समय को व्यतीत करके जब अंत में मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु सैया पर जब लेटने वाला होता है, उस समय भी वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। इसका मतलब कि विकास एक बार बच्चा जन्म लिया वहाँ से शुरू होकर के जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसका विकास निरंतर होता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास हर समय निरंतर होता रहता है, इसी को निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा विकास हर समय निरंतर होने के कारण जो है विकास का निरंतरता का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है बच्चों वो है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत याद रखना है, विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, विकास हमेशा कैसा होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, अब हम चाहे जिस प्रकार के विकास के बारे में बात करें, चाहे हम शारीरिक विकास के बारे में बात करें, मानसिक विकास के बारे में बात करें, संवेगात्मक विकास के बारे में बात करें, भाषाई विकास के बारे में बात करें, वो हमेशा एक निश्चित क्रम को क्या करता है, निश्चित क्रम का पालन करता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा भाषाई विकास के चरणों में अगर हम उसकी बात करते हैं कि वो किस तरीके से उसका भाषाई विकास होता है, तो बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है, याद रखिएगा बच्चे की प्रथम भाषा हमेशा क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्रंदन करता है, यानी अपनी हर मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या कहने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रोता है। अगर उसे पानी चाहिए तो भी वो रो कर ही कहेगा, उसे प्यास लगी है, खाना चाहिए, या उसका कोई शरीर का कोई अंग दर्द कर रहा है, तो भगवान ने सिर्फ उसको एक ही शक्ति प्रदान किया है और वो है क्या, क्रंदन करना। तो दुनिया का कोई भी अगर मनुष्य का बच्चा है, दुनिया का कोई भी मनुष्य का बच्चा है, तो वो आरंभ में अपनी बातों को क्रंदन के माध्यम से क्या करता है, कहता है। यानी भाषाई विकास का जो पहला चरण होता है वो है क्रंदन। उसके बाद बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ महीनों का होता है, तो वो बबलाना शुरू करता है। बबलाने का मतलब कि कुछ उल्टे सीधे शब्दों को बच्चा दोहराना शुरू करता है। उसके बाद से जब बच्चा 4 या 5 महीने का या 6 महीने का हो जाता है, तो छोटे मोटे शब्दों के द्वारा चीज़ों को कहना शुरू कर देता है। जैसे पानी के लिए क्या बोलता है बच्चा, पा बोलता है, मम्मी के लिए क्या बोलता है, माँ बोलता है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे शब्दों का वो इस्तेमाल करता है, यानी वो अभी पूरे शब्द नहीं बोल पा रहा है, तो वो आपका बबलाने की स्थिति हो जाती है। उसके बाद से इन टूटी फूटी शब्दों में जब एक एक छोटे छोटे अनर्थ वाले शब्द को बोलना शुरू कर देता है, तो वो उसकी एक श्रेणी आ जाती है, उसको हम कहते हैं तुतलाना। बच्चा तुतलाना शुरू कर देता है, और तुतलाने के बाद बच्चा जो है कुछ समझदार होता है, उसके अंदर संवेगों का विकास होने लगता है, बच्चा सामाजिक विकास उसके अंदर नजर आने लगता है जब वो लोगों के संपर्क में आता है। देखिएगा, मैंने आपको ये भी जानना है कि बच्चा जब 3 महीने का लगभग हो जाता है, तो वो अपने माँ के बाद अपने आस पड़ोसी या सगे संबंधियों के संपर्क में आना शुरू होता है, लोग दूसरों के स्पर्श में आना शुरू होता है, तो वहाँ से उसका सामाजिक विकास भी क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो सामाजिक विकास बच्चे का जब प्रारंभ होता है, तो वो धीरे धीरे भाव भंगिमाओं का प्रयोग करता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर हम लेके खिलाएं तो उस वो मुस्कुराहट के साथ आपकी आपकी ओर देखता है, या फिर हम उसको अगर डराने की कोशिश करें तो बच्चा चौंक करके देखने की कोशिश करता है। तो ये सब जो स्टेज आता है ये इसके बाद आता है हाव भाव भंगिमाओं का प्रयोग। तो इस प्रकार से दुनिया का कोई भी अगर बालक है, अगर शिशु है, तो वो हमेशा इस क्रम का पालन करता है। सबसे पहले वो क्रंदन करेगा, क्रंदन के बाद वो बबलाएगा, इसको क्वीन भी कहते हैं, उसके बाद से तुतलाएगा, फिर हाव भाव भंगिमाओं का प्रयोग करेगा। इसके बाद से बच्चा जो है
भाषा की वास्तविक अर्जन के लिए वो बच्चा तैयार है। यानी कि यहाँ पे याद रखना कि ये सारी चीज़ों का एक जो क्रम होता है, इसका एक फायदा भी होता है। देखिएगा, जैसे क्रंदन करने का बच्चों को ये फायदा होता है कि उसके मुंह के मांसपेशियों का एक व्यायाम होता है, जिसकी वजह से बच्चा जब वास्तविक भाषा सिखाया जाता है, बच्चों को वास्तविक भाषा के लिए जब हम प्रशिक्षित करते हैं तो बच्चा आसानी से उस भाषा को क्या कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से जो तीसरा है, विकास का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत या विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। मनुष्य जाति के साथ एक सबसे अच्छी चीज यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति में आपको अंतर दिखाई देने को अंतर दिखाई देता है, और वो अंतर उसके विकास में भी दिखाई देता है। यानी हर व्यक्ति का विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है शुरू से बहुत तेज होते हैं, कुछ धीरे धीरे होते हैं, या बहुत सारे बच्चों का शारीरिक विकास में भी अंतर दिखाई देता है। प्रारंभ में वो बौने आकार के होते हैं, फिर अचानक उनकी हाइट बढ़ने लगती है, या बहुत बच्चे बहुत कम आयु में भी बहुत ही बलिष्ठ दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता भी विकास की गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। दुनिया के हर बच्चों में विकास की गति जो है अलग अलग तरीके की नजर आती है। ठीक है, तो ये भी एक बाप का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, देखिएगा, अब चौथा जो विकास का सिद्धांत हमारे पास है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, जैसे कि हमने बाल विकास में पढ़ा है कि विकास के बहुत सारे आयाम या विकास हमको बहुत सारे आयामों के अंतर्गत नजर आता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो। ठीक है ना, तो हमको ये समझना है कि इन सबके बीच में एक संबंध हो सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका शारीरिक विकास क्या है, अच्छा है, शारीरिक विकास क्या है, बहुत ही अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका शारीरिक विकास अच्छा है तो उसका मस्तिष्क का विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि उस स्थिति में उसका मानसिक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। वो अच्छे तरीके से अपने संवेगों के प्रति अपने आप को समायोजित कर पाएगा, इसका मतलब कि उसका संवेगात्मक विकास भी क्या होगा, अच्छा होगा। और बच्चे का अगर संवेगात्मक विकास अच्छा होगा तो वो समाज में अपने आप को अच्छे तरीके से समायोजित कर पाएगा, इसका 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 मतलब ये हुआ कि उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। इसका मतलब कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं वो परस्पर संबंधित होते हैं। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ पे देखा कि अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, ये जितने भी विकास होते हैं सभी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। यानी कि ये सभी आपस में परस्पर क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, इसलिए इसको परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपको अगर कोई चीज़ लगती है कि दोबारा सुननी चाहिए तो आप उसको फिर से रिस्टार्ट करके देखिए, बार बार चीज़ों को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा बच्चों, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत क्या होता है, ज़रा समझिएगा। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो सामान्य क्रियाएँ करता है। सामान्य क्रियाएँ क्योंकि हमने उसको कुछ सिखाया नहीं है। देखिए, कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक अबोध बालक के रूप में पैदा होता है, उसको कोई चीज़ सिखाया नहीं गया होता है। धीरे धीरे हम उसको अपने अनुसार क्या करते हैं, ढालते हैं। जैसे कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो पहले सरल शब्दों का प्रयोग करता है। सरल शब्द, कुछ बोलता है तो किन शब्दों का प्रयोग करता है, सरल शब्दों का प्रयोग करता है। और ये सरल शब्द कहाँ से आते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो उसके वातावरण में उसके अपने लोगों के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, और वो भाषा किस प्रकार की भाषा होती है, उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है ना, आपको याद भी रखना है कि बच्चे की पहली भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा होती है। मातृभाषा का मतलब होता है माँ के द्वारा बोली हुई भाषा, या माँ की बोली, या उसके जो वातावरण में जो उसकी भाषा बोली जाती है वो उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, तो बच्चा पहले सरल शब्दों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू हो जाता है तब उसकी उसको परिष्कृत भाषा परिमार्जित भाषा सिखाया जाता है। तो वो क्या करता है बच्चा, सरल शब्दों से अब विशिष्ट शब्दों को क्या करता है, सीखना शुरू कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा हमेशा सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया करता है। यानी बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर जब हम उसको निर्देशन देते हैं, उसको प्रशिक्षण देते हैं, तो वो विशिष्ट क्रियाओं को करने लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, यहाँ पे समझना है बच्चों,
प्रतिमान शब्द आ गया। प्रतिमान का मतलब होता है जाति। दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं, तो हर प्रजाति, ठीक है, हर प्रजाति या विकास विकास की अगर बात की जाए तो हर प्रजाति अपने प्रजाति के गुणों के अनुसार ही विकास को क्या करता है, पालन करता है। अपने जाति के, अपने प्रजाति के गुणों के अनुसार ही या उसी के प्रतिमान के अनुसार विकास की प्रक्रिया को क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक बिल्ली का बच्चा है, ठीक है, तो बिल्ली का बच्चा क्या करेगा, बिल्ली का बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेगा तो वो कैसे बोलेगा, वो कैसे बोलेगा, वो म्याओ की भाषा बोलेगा। ठीक है, क्या वो किस प्रकार की भाषा बोलेगा, म्याओ की भाषा बोलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्ली का बच्चा इस धरती पर आया तुरंत स्टार्ट हो वो 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 वो, नहीं ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसकी भाषा है, ये कुत्ते की भाषा है। या ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा, मनुष्य का छोटा बच्चा अगर कोई इस धरती पर आता है तो वो पैदा हुए थे कि और गुड मॉर्निंग क्या हाल है, ऐसा वो नहीं कहेगा, क्योंकि बच्चा, ये बच्चे की भाषा ये नहीं है। प्रारंभ में वो क्या करेगा, क्रंदन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रजाति अपनी प्रजाति के गुणों के अनुसार ही क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, तो इस एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मनुष्य जाति का कोई शिशु जन्म लेता है, ठीक है, मनुष्य जाति का अगर कोई शिशु जन्म लेता है तो उसकी तुलना में अगर हम बात करें, अगर एक हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, और एक हाथी का अगर बच्चा जन्म लेगा तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ये हाथी नहीं है लेकिन आप इसको हाथी मानेंगे। ठीक है, तो एक एक इंसान का बच्चा जब पैदा हुआ तो वो बहुत ही छोटा है, लेकिन उसी के समय एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो वो बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी प्रजाति के अनुसार ही विकास की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो दुनिया की हर प्रजाति अपने अनुसार, अपने प्रजाति के अनुसार ही विकास की प्रक्रिया को क्या करता है, पालन करता है। और इस चीज को सबसे पहले हरलाक ने बताया था। हरलाक ने इसको कहा कि दुनिया का प्रत्येक प्रजाति जाति, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, वो अपनी प्रजाति के प्रतिमान के अनुसार ही क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, एकीकरण का सिद्धांत। देखिएगा, एकीकरण का सिद्धांत ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कई बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा, आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है, 4 या 5 महीने का होता है, आप कोई चीज उसके पास लेकर के जाइए तो वो क्या करेगा, वो अपने हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करेगा उसको पकड़ने के लिए। ठीक है ना, तो हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चा अभी इस बात के लिए सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया है कि पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए होता है और हाथों का इस्तेमाल वस्तुओं को पकड़ने के लिए होता है। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा जो है हाथों का इस्तेमाल वस्तुओं को पकड़ने के लिए करने लगता है और पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए करने लगता है। तो इसको हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। यानी प्रारंभ में बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है, हाथ और पैरों दोनों का इस्तेमाल करके वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि अभी उसका पैर, अपने पैर और हाथ दोनों अलग अलग विशिष्ट कार्यों के लिए अभी हम कह सकते हैं विशिष्ट कार्यों के लिए अभी बने नहीं है या विशिष्ट कार्यों को संपादित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो इन चीजों को क्या कर पाता है, सीख पाता है। तो प्रश्न पूछे गए हैं कि एक बच्चा जो है पहले हाथ और पैरों दोनों का इस्तेमाल करके किसी वस्तु को पकड़ता है, बाद में धीरे धीरे वो केवल हाथों का प्रयोग करता है, तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो याद रखना है साथियों, यह विकास का एकीकरण का सिद्धांत होता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, वंशानुक्रम व वातावरण की परस्पर अंतरक्रिया का सिद्धांत। ये देखिएगा एक बहुत ही छोटा टॉपिक, आगे हमको पढ़ना भी है, वंशानुक्रम और वातावरण। देखिएगा, मनुष्य का जो भी पीढ़ी होती है या कोई भी इंसान या कोई भी बालक जो इस धरती पर जन्म लेता है वो अक्सर अपने माता पिता के गुणों को लेकर के पैदा होता है। यानी वंशानुक्रम के फलस्वरूप उसको लक्षण प्राप्त होते हैं, गुण प्राप्त होते हैं। यह गुण उसके पितृत्व को या जीन के अनुसार होता है, जीन के द्वारा होता है, जो उनके माता पिता के द्वारा या उनके पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये गुण उसके माता पिता से मिल गया लेकिन अगर उसको वातावरण न मिले तो उन गुणों का उसका विकास संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा गायककार है, बहुत ही मशहूर गायककार है, लेकिन उसका बेटा जो है
इसका अगर उसका बेटा जो होगा तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के जो गुण होंगे उसके बेटों के अंदर भी है, लेकिन अगर उस बेटे को प्रारंभ में ही उसके घर से दूर कर दिया जाए, एक ऐसे जगह पर भेज दिया गया जहां पर संगीत का कोई नामो निशान नहीं है, तो उस बच्चे के अंदर संगीत के गुण होने के बावजूद भी वो बच्चा जो होगा संगीत नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम के फलस्वरूप उसको लक्षण तो प्राप्त है लेकिन वातावरण उसको नहीं मिला जिसमें उनका क्या हो सके, विकास हो सके। तो इसका मतलब कि अगर विकास की प्रक्रिया हो रही है भाई, तो वहां पर वंशानुक्रम के द्वारा जो लक्षण उसको मिले हैं उसके लिए वातावरण भी उसको मिलना चाहिए जिसमें उनका उसका क्या हो सके, विकास हो सके। अब सवाल विकास आप जब भी पढ़ोगे जहां भी पढ़ोगे याद रखना है ये दो चीजें आपको जरूर मिलेंगी, वंशानुक्रम और वातावरण विकास की हर प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, शारीरिक विकास हो, भाषाई विकास हो, याद रखना है इसको। और एक बात और महत्वपूर्ण बात है कि कौन इसमें राजा है, कौन विजेता है, वंशानुक्रम ज्यादा अच्छा है कि वातावरण ज्यादा अच्छा है, तो याद रखना है कि दोनों का बराबर योगदान होता है, यानी कि दो बोथ प्लेज इक्वल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखिएगा ध्यान से, यानी दोनों 50-50% का योगदान देते हैं, याद रखना है दोनों बराबर योगदान देते हैं, 50-50% का योगदान देते हैं। क्या मन आ रहा है? अगला देखिएगा बच्चों, परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जन क्या होता है? परिमार्जन होता है अपने अनुसार बदल देना, ठीक है, अपने अनुसार क्या कर देना, बदल देना। तो परिमार्जिता का सिद्धांत क्या कहता है कि हम चाहे तो विकास के लक्षणों को अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा जो है वो बचपन में पैदा हुआ, उसके पिताजी कभी तबला नहीं बजाए, लेकिन वो बच्चा अगर चाहे तो अभ्यास करके तबला वादक बन सकता है। या शुरू शुरू में आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, बहुत सारे खिलाड़ी हमारे देश में ऐसे हुए हैं जो पहले अलग खेलों को खेलना प्रारंभ किए, बाद में उन्होंने इस खेल को छोड़ करके दूसरे खेल खेले जिसमें वो काफी सफल हुए। मतलब कि उनका जो विकास का तरीका था, विकास की जो दिशा थी, उसको अपने अनुसार उन्होंने परिमार्जित कर दिया, बदल दिया, ठीक है। इसको एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग जो है अच्छे शरीर बनाने का फैशन चल रहा है, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं। तो जिम जाने वाले में लोग दो तरह के होते हैं, एक वे होते हैं जो अपना वजन घटाते हैं और एक वे होते हैं जो अपना वजन बढ़ाते हैं। तो आप जरा समझिएगा, वहां पे शरीर एक ही है लेकिन उसका परिमार्जन अलग अलग तरीके से हो रहा है और वो उस व्यक्ति के इच्छा अनुसार हो रहा है। मतलब कोई शरीर पतला करने के लिए गया हुआ है और कोई शरीर जो है अपना हेल्दी या शरीर सौष्ठव बनाने के लिए वहां पे गया हुआ है। तो इसको बोलते हैं परिमार्जन का सिद्धांत। मतलब हम चाहें तो विकास को अपने इच्छा अनुसार, अपने ऐच्छिक दिशा में हम चाहें तो मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, दूसरा है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। इसको जरा समझिएगा, विकास की दिशा निश्चित होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत दो सिद्धांत प्रचलित हैं, आप इसको जब मैं बोलूं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे पहला जो है इसको कहा जाता है मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत का मतलब मस्तिष्क से पैर की ओर, मस्तिष्क से पैर की ओर। यह सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी प्राणी का विकास पहले उसके, किसी भी प्राणी के सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, बाद में धीरे धीरे उसके बाकी अंगों का विकास होता है, और यह विकास की दिशा किधर की ओर होती है, पैर की ओर होती है। जैसे कि अगर किसी शिशु का विकास, भ्रूणावस्था की बात करेंगे तो वहां पर शिशु के सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, बाद में उसके धड़ का विकास होता है, फिर उसके सीने का विकास होगा, और धीरे धीरे यह प्रक्रिया उसके पैर की ओर क्या होती है, बढ़ती है। इस नाते इसको कहा जाता है मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, ठीक है। अब आगे देखिएगा, दूसरा जो सिद्धांत साथियों यह है केंद्रीय विकास का सिद्धांत। केंद्रीय विकास का सिद्धांत, या इसी को निकट दूर विकास क्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो केंद्रीय विकास का सिद्धांत या निकट दूर विकास क्रम का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? इसके अनुसार जो बात कही जाती है वो ये है कि विकास सबसे पहले केंद्रीय भाग का होता है। जैसे कि
किसी बीज का विकास, ठीक है, किसी बीज का विकास में पहले उसके केंद्र का विकास होता है, फिर बाद में धीरे धीरे उसके बाकी अंगों का, बाकी कोशिकाओं का विकास होता है, फिर बाकी बाकी शरीर के बाकी कोशिकाओं का विकास होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो सिद्धांतों को फॉलो करता है, जो हमारा विकास के निश्चित दिशा का सिद्धांत एक है मस्तकाधमुखी, जो कहता है कि विकास मस्तिष्क से पैर की ओर या सिर से पैर की ओर होता है, और दूसरा है केंद्रीय विकास का सिद्धांत, जो कहता है कि विकास पहले केंद्रीय भाग का होता है, फिर धीरे धीरे उससे दूर वाले भागों का विकास होना शुरू होता है। ठीक है साथियों, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है ये चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, ये बहुत कम जगहों पर मिलता है, बहुत कम किताबों में भी दिया हुआ है, लेकिन इस तरह के इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत क्या कहता है, हरलाख ने इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात कही थी। दरअसल ये सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य के अंदर जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि जो होती है, ठीक है, वो अभिवृद्धि जो होता है ये रेखीय न होकर के चक्राकार होता है। रेखीय न होकर के कैसा होता है, चक्राकार होता है, ठीक है, जहाँ पर ये चक्र के आकार का हमको दिखाई देता है और इसके अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग अंगों का विकास, इस तरह का एक मॉडल दिया गया है। ठीक है, हरलाख ने इसी के आधार पर कहा, चक्राकार यानी कि विकास के चक्राकार प्रगति के आधार पर उन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास का जो क्रम है या विकास का जो तरीका है वो घंटी के आकार का होता है। तो ये शब्द अगर आपको कहीं मिलेगा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मनुष्य का जो विकास होता है वो घंटी की तरह से होता है, घंटी के आकार का होता है, तो ये शब्द सबसे पहले हरलाख ने दिया था। ये शब्द किसने दिया था दोस्तों, हरलाख ने दिया था। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हमारे समक्ष हैं जिनको हमने समझा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि आप घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप पढ़िए, कंपटीशंस बहुत तगड़े हो गए हैं। और एक बात और सूचना आपको देनी है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे चैनल अभी चल रहे हैं जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को जो है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के क्रम में, जिसमें दूरदर्शन पे, डीडी नेशनल पे या डीडी भारती पे, विविध भारती पर बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो अपन बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो भी घर पे पढ़ते रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।